खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां सामाजिक संगठन अभ्युदय फाउंडेशन के द्वारा एक शाम गजल के नाम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का नाम उड़ान दिया गया है। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए आयोजकों ने बताया कि रीवा जिले में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, लेकिन आज तक गजल के लिए कोई कार्यक्रम नहीं रखा गया था। अभ्युदय फाउंडेशन के अध्यक्ष अनामिका शुक्ला ने निश्चय किया था कि रीवा में एक गजल के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जानी मानी हस्तियां शिरकत करेंगे। उक्त कार्यक्रम कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा। उक्त कार्यक्रम 11 दिसंबर को आयोजन किया जा रहा है, जिसका नाम उड़ान एक खुशनुमा सूफी संगीत के नाम दिया गया है। आइए आपको सुनाते हैं समाज सेवी सिद्धार्थ श्रीवास्तव और अभ्युदय उपकार फाउंडेशन की अध्यक्ष अनामिका शुक्ला ने पूरे कार्यक्रम के संबंध में क्या जानकारी दी है। हम लोग एक ऑडिटोरियम में सामे गज़ल का प्रोग्राम कर रहे हैं, इसी के संदर्भ में आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी संस्था शुरू से ही सामाजिक और साहित्यों का काम करती आ रही है। इसी कड़ी में हमने एक गज़ल का प्रोग्राम रखा है। अपने रीवा में शुरू से ही सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं और भजन संध्या बड़ी बड़ी होती आई हैं, बड़े बड़े कवि सम्मेलन होते आए हैं, पर आज तक गज़ल प्रोग्राम कभी नहीं हुआ, इसीलिए हमने एक गज़ल प्रोग्राम रखने का सोचा है। कहाँ पर आयोजित होगा प्रोग्राम? कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में। इस गजल प्रोग्राम को चार चांद लगाने कौन आ रहे हैं? इस गजल प्रोग्राम में मशहूर गजल गायक भानु पंडित और अनिता भट्ट जी आ रही हैं। अभिनेता भी आ रहे हैं कोई? जी, इसमें अभिनेता मशहूर एक्टर अली खान जी आ रहे हैं। जैसा कि देखने में आता है कि बड़े आयोजन होते हैं तो लोगों को पास नहीं मिल पाते हैं, तो मैंने किस तरह आपका ये प्रोग्राम? हमने इस प्रोग्राम में फ्री एंट्री रखी है, पास की कोई वो नहीं है, सभी लोग आए, सब लोग इस प्रोग्राम में आ सकते हैं और सभी हिस्सा बन सकते हैं इस प्रोग्राम में। जी, हमने ऐसे कुछ लोगों को जैसे विद्या तिवारी जी हैं TI, उनको हमने मौका दिया है कि सर आप भी हमारे प्रोग्राम में अपनी प्रस्तुति दे सकते हैं। और इसके तुरंत बाद जनवरी में हम लोग एक प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें अपने रीवा के हम लोग उन कलाकारों को ढूंढेंगे जो अपने रीवा में आगे काम करते हैं। स्थानीय कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में एक शाम गज़ल के नाम, एक खुशनुमा शाम सूफी संगीत के नाम का कार्यक्रम उड़ान आयोजित किया जा रहा है। ये कार्यक्रम रीवा की सामाजिक संस्था अभ्युदय उपकार फाउंडेशन ने कार्यक्रम किया है। हम सब जानते हैं कि रीवा एक सांस्कृतिक और साहित्यिक नगरी रही है और हमेशा रीवा में बड़े से बड़े आयोजन होते रहे हैं, लेकिन इस बार का कार्यक्रम अलग इसलिए है क्योंकि अखिल भारतीय कवि सम्मेलन हुए हैं, भजन संध्या का कार्यक्रम नवरात्रि में हुआ है रानी तालाब मंदिर में, बड़े बड़े आयोजन इस शहर में हुए हैं, लेकिन गज़ल के लिए विशेष रूप से आज तक कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया है, स्पेशली गज़ल के लिए। तो इसलिए अभ्युदय उपकार फाउंडेशन की अध्यक्ष अनामिका शुक्ला जी ने एक पहल की है कि हम एक शाम गज़ल के नाम रखेंगे और कार्यक्रम का टाइटल उन्होंने उड़ान दिया है, जिसमें बॉम्बे से महाराष्ट्र से प्रसिद्ध गज़ल गायक भानु पंडित और अनिता भट्ट जी आ रहे हैं, जो अपनी गज़ल गायकी की प्रस्तुति देंगे। ये वो कलाकार हैं जो TV चैनल्स में आ चुके हैं, बड़े बड़े शोज़ में बड़े बड़े सिंगर्स सोनू निगम और शान जिनके गायकी के मुरीद हैं, ऐसे गज़ल गायक आपके बीच में आ रहे हैं। और रीवा में अली खान साहब पहली बार आ रहे हैं जो फिल्म अभिनेता है, तो इनके आने का उद्देश्य यही है कि हम सांस्कृतिक साहित्यिक और इस तरह की गतिविधियों को बढ़ावा दें और अभ्युदय उपकार फाउंडेशन के इस मुहिम शामी गज़ल को और पुख्ता करें। इसलिए तमाम गज़ल गायक और अभिनेता इस कार्यक्रम में शरीक हो रहे हैं। इस कार्यक्रम में रीवा के जनप्रतिनिधि मुख्य अतिथि रूप में राजेंद्र शुक्ला जी रहेंगे, पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक, साथ ही अध्यक्षता इस कार्यक्रम की सांसद लोकसभा रीवा जनार्दन मिश्रा जी करेंगे। इसके अलावा सभी प्रशासनिक अधिकारी IG सर, DIG सर, कमिश्नर सर, कलेक्टर सर, SP सर, ADM सर, SDM सर, सभी लोग और नगर निगम कमिश्नर सर सभी इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से उपस्थित होंगे और रीवा के सभी साहित्य प्रेमी, कला प्रेमी, गजल गायक, साहित्यकार, बुद्धिजीवी, समाजसेवी सभी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। नमस्कार रीवा, मैं हूं भानु पंडित। और मैं हूं अनीता भट्ट और हम आ रहे हैं आपके शहर रीवा 11 दिसंबर 2022 को कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में एक सुरों की महफिल सजाने, जिसका नाम है उड़ान शामे गजल, एक शाम सूफी संगीत के नाम में अपनी प्रस्तुति देने के लिए। तो हम चाहते हैं कि आप सभी आए वहाँ पे इस संगीत में शाम का हिस्सा बनने के लिए। और हम दोनों स्पेशली थैंक्स बोलना चाहते हैं अभ्युदय उपकार फाउंडेशन की तरफ से अनामिका शुक्ला जी का, जिन्होंने हमें रीवा शहर आमंत्रित किया। So, see you all there.